राजस्थान में जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा अचानक गिर गए। भारत जोड़ो यात्रा के रायपुर से निकलने के बाद वे पैदल चल रहे थे और अचानक उनका जूता खुल गया। जूते को दोबारा पहनने के दौरान पीछे से यात्रा में शामिल लोगों का धक्का लगने के चलते उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे यकायक गिर पड़े, जिसके बाद उनके साथ चल रहे अन्य मंत्रियों, विधायकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। रघुवीर मीणा के हाथ में चोट लगने की वजह से दर्द के चलते उन्हें एम्बुलेंस के जरिए झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय की इमरजेंसी में लाया गया। यहां पर उनके एक्सरे व अन्य जांचें करवाई गई और जिनमें उनके बाएं हाथ के बीच की उंगली में फ्रैक्चर होना सामने आया है। बाद में चिकित्सकों ने उन्हें माइनर ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर बाएं हाथ में प्लास्टर लगाया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामूली सी बात थी, भीड़ में जूता निकल गया तो वापस पहनने गए, तब तक पीछे से धक्का आया, हाथ ठीक गया, रोड पे लोड आ गया तो ये उंगली में चोट आ गई। कितने बजे तक की घटना है? 9 बजे। सुबह 6 बजे निकले थे आप? उसी दौरान ये पाँव स्लिप होने से चोट? नहीं, पाँव से जूता खुल गया। जूता खुल गया तो मैं वापस पहनने गया तो तब तक पीछे धक्का है तो हाथ टिक गया रोड पे जी, तो हाथ पे लोड आ गया तो ये बीच की उंगली है जी, ये चोटी लोड।